Hello everyone. Today we are going to discuss about classification of W. Subject name is W. Lingam, Faculty of Biology Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's Institute, Rajasthan. आहार द्रव्य चरक ने आहार द्रव्य के 12 वर्गों में व्यक्त किया है, जिसमें शुभदाने, शनिदाने, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, अंबु, गोरस, इक्षुरस, कृतान वर्ग और आहार योगी वर्ग आते हैं। शुभ दाने का अर्थ है जिनमें शुभ युक्त दाने हों, अर्थात दान के ऊपर कांटनुमा संरचना बनी हो, जैसे कि रक्तशाली गेहूँ आदि। शमी दाने यानी कि फल से, जैसे मूंग, माश आदि। मांस फल में मत्स्य आदि। शाक वर्ग जिन्हें हम जीवन काम में लेते हैं, जैसे काटा, जंगेरी आदि। फल वर्ग जैसे बेल व आम आदि। हरित वर्ग जिन्हें हम सलाद में या फिर कच्चा ही खाते हैं, जैसे धान्य, पलांडू आदि। मध्य वर्ग जिसमें सुरा, असो, अरिष्ट आदि आते हैं। अंबु वर्ग जिसमें एंड्रोफेन, बॉम द्रव्य आते हैं। गोरस वर्ग जिसमें गर्भिशी, गोघृत आदि द्रव्य आते हैं। इक्षु जिसमें कि इक्षु, गुड़, शर्करा आदि गुड़ से उत्पन्न विकार आते हैं। कृतान वर्ग जिन्हें हम छोटे काम में लेते हैं, जैसे कि मांड, पेया, विलेपी आदि। आहार योगी वर्ग जिसमें कि तेल, लवण आदि द्रव्य आते हैं। शुष्योप वर्ग शुष्योप ने सूत्र स्थान के 4546 अध्याय में द्रव द्रव्य वर्ग का वर्णन किया है, जिसमें द्रव में 10 द्रव्य और अन्य के 13 वर्ग बनाए गए हैं। द्रव वर्ग के 10 वर्गों का हम वर्णन यहाँ कर रहे हैं, जिसमें जल, शीत, दल, तत्व, ग्रह, तेल, मधु, इक्षु, मध्य और मूत्र वर्ग आते हैं। जल वर्ग जैसे कि वर्षा जल, बोम जल। शीत वर्ग जैसे गोजा, दही, इसमें गो, महिष आदि दही आते हैं। चक्र जैसे कि मंड, कोचिका आदि। ग्रह जिसमें कि गोग्रह, अजाग्रत आदि। तेल जिसमें हिरण तेल, नीम तेल आदि आते हैं। मधु जैसे कि पौतिक, ब्राह्मण, शौद्र आदि। इक्षु जिसमें कि पान, गुड़ आदि। इक्षु से उत्पन्न विकार है। मध्य जैसे कि सुरा, अरिष्ट, धर्मोच्च जैसे कि गोमूत्र, अजामूत्र आदि द्रव्य आते हैं। इसी क्रम में आगे अन्य द्रव्य का वर्णन किया है, जिसमें शाली, उदान्य, पैदल, मांस, फल, शाक, पुष्प, कांड, लवण, कृतान्य और भक्ष्य का वर्णन किया है। शाली द्रव्य जिसमें कि रक्तशाली और शिष्टिक दाने आते हैं। कुदान्य जिसमें कि लो ग्रेड ग्रेन्स आते हैं। वैदल जिसमें कि मूंग, मांस आदि आते हैं। मांस जैसे कि मृग मांस, मयूर मांस। फल जैसे कि दाड़ी, आमलकी आदि फल। शाक जैसे कि कूष्मांड, मूलक। पुष्प जैसे कि कांचना, पद्म आदि। कांड जैसे कि पद्म, नारिकेल, कंद और लवण जिसमें कि सैंधव, समुद्र लवण आदि। कृतान वर्ग जैसे कि मोदक, यूष, खाण और पक्षी जिसे कि हम चबाकू कहते हैं, जैसे कि गुरकृत, क्षेत्रकृत आदि। अकॉर्डिंग टू आयु दे आर थ्री डिफरेंट वर्ग आर लाइक एनुअल, बायनल एंड पेरियनल। एनुअल जिनकी उम्र 1 साल होती है, बायनल जिसकी उम्र 2 साल होती है, पेरियनल जो अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। उद्भव के आधार पर द्रव्यों को 4 वर्गों में किया गया, जैसे स्थलज, जलज, वृक्ष रुआ और वृक्षादन। स्थलज जैसे कि टेरेस्ट्रियल, जलज जैसे कि एक्वेटिक, वृक्ष रुआ जैसे कि एपिफाइटिक, वृक्षादन जैसे कि पैरासाइटिक। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता देयर आर इन चरक संहिता सूत्र स्थान 4 और 5 ड्रग देखने कैसे का इन टू 50 कषाय वर्ग एंड ईच वन हैज 10 ड्रग टोटल 500 ड्रग एक्सप्लेन इन 4th and 5th चैप्टर दे आर अकॉर्डिंग शीर्ष संहिता द्रव्य संग्रह शीर्ष सूत्र 38 अकॉर्डिंग टू निगम टू जनवंत निगम टू जिसे कि मैंने बाबू ने लिखा है, जो 10वीं से 23वीं शताब्दी के बीच लिखा गया, जिसमें 7 वर्ग बनाए गए हैं। गुड़ुच्य आदि, शतपुष्प आदि, चंदन आदि, कबीर आदि, आम्र आदि, सुवर्ण आदि और मिश्रक आदि। पायर निगम टू पंडित नरहरि ने लिखा था, जिसकी काल अवधि है 17वीं शताब्दी और इसमें 23 वर्ग बनाए गए हैं। भाव प्रकाश निगम टू जिसे आचार्य भाव मिश्र ने लिखा था, जो 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, इसमें 24 वर्ग बनाए गए हैं, जिसका की प्रथम वर्ग है हरित आदि और अंतिम वर्ग है अनिकार वर्ग। Hope you are satisfied with my little session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you.